फाइनली कार्निवल में एंट्री हो रही है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, क्योंकि लुई विटॉन का बैग मिल चुका है। और गाइस इतना सुंदर व्यू है ना रूम से, सीरियसली आपको दिखाया नहीं अभी तक, मूड इतना खराब था तो मैंने कहा आज आपको अच्छे से ना व्यू दिखाती हूँ। देखो ये हमारी यहाँ पे ये विंडो है और विंडो से ये व्यू है। ऐसा व्यू तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या ये देख रहे हो पार्किंग लॉट, और वो ना दूर वहाँ पे वहाँ कार्निवल लगा हुआ है, फेरिस व्हील है, पूरा कार्निवल लगा है। यार हर्ष अशर को कार्निवल में लेके चलते है ना, इसने मुझे भी बोला भी था पापा मुझे कार्निवल में ले चलो, पर मुझे तो ये सोता हुआ नजर आ रहा है। सोते सोते देख लूंगा, चलो तो सही। मम्मा मैं सो जरूर रहा हूँ पर मैं कार्निवल जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे कार्निवल लेके चलो, सोते सोते ही ले चलो। चल फिर आए और कार्निवल नहीं दिखाया शुरू। एग्जैक्टली तो चलो चलते हैं आपको कार्निवल लेके। हमें पहले नीचे जाना है, यहाँ से 700 मीटर वॉक करके वहाँ पे फेरी है, फेरी का पॉइंट वो दिख रहा है आपको, उस पॉइंट पे हमें जाना है। वहाँ से फेरी हमें लेके जाएगी वो सामने जहाँ पे कार्निवल और फेरिस व्हील लगा, उसके बाद अशर के साथ फेरिस व्हील के अंदर डुगड़ू 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 डुगड़ू। चलो फिर कार्निवल चलते है। ओके गाइस मैं अपना बैग लेके निकल गई हूँ इन दोनों के साथ। 150 रुपए के पूरे कपड़े पहने और 3.5 लाख का बैग। यार सोचो मतलब क्या है इस बैग में, यूजलेस, मोस्ट यूजलेस परचेज ऑफ मिलेनियम। देखो पता है अब मेरे को ज्यादा टेंशन रहेगी। क्या मैं पहले तेरे फोन संभालता था, अब मेरे को तेरा बैग भी संभालना पड़ेगा। क्या यार मजाक नहीं कर रही गाइस, जब ये बैग खरीदा था ना तो मैं यही सोच रही थी। ऐसे मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा अरे फोन नहीं घूमना चाहिए, फिर मैंने सोचा अबे फोन तो छोड़ बैग नहीं घूमना चाहिए भाई, फोन से ज्यादा इम्पोर्टेंट बैग हो गया अब मेरे लिए। चलो बैग आपको ऐसे लेके जाना पड़ेगा लूटवती कसम से। नया बेबी वो बैग है मेरा बेबी। ओह मेरा बेबी वही रहेगा और तू भी। ये ऐसे वैसे लूटपतियां तो आती जाती रहेंगी जिंदगी में। कितना फ्लॉन्ट करेगी बैग, इसमें है क्या ये तो बता दे। व्हाट्स इन माय बैग पूरी वीडियो बनाऊंगी ना। वैसे गाइस क्या लगता है इस बैग में क्या क्या है, कमेंट्स में जरूर बताना। आपको देखनी है वीडियो। मम्मा कहाँ लेके जा रहे हो? देख रहा है हर्ष कितना एक्साइटेड है कार्निवल जाने के लिए। फेरिस व्हील है वहाँ पे, पार्टी करेंगे पार्टी। वैसे भी चाइनीज न्यू ईयर चल रहा है यार, बहुत फन हो रहा है बाहर, चलते हैं फन करते हैं। और भागते भागते रोड क्रॉस कर रहे हैं, कितना रश है पर कितनी लिट मार्केट और स्ट्रीट है यार। भाई अशर मेरे बैग को संभालते हुए, अशर बेटा ध्यान रखना। मामा डोंट वरी, मैं बहुत ध्यान रखूंगा आपके बैग का। चलो भाई चलो चलो, ये तेरे को सही गार्ड मिल गया है। हाँ मैंने कहा इसको बिठाओ स्ट्रॉलर पे और ये पकड़ेगा मेरा बैग। प्रेरणा 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 सामने जाना है, पैसे एक्सचेंज कराने हैं। सारे खत्म हो गए? हाँ भाई कार्ड से पेमेंट करी थी, झूठ तो मत बोल। अबे कार्ड चली ना, पैसे है ही नहीं, अब एक्सचेंज कराने पड़ेंगे। जल्दी से ले, लेट्स गो। यहाँ पे वैसे भी हर जगह हांगकांग डॉलर्स ही चलते हैं। यार तेरे को थोड़ा बहुत वैसे ही लग रहा है ये टोक्यो जापान जैसा। हाँ यार बहुत सही लग रहा है ना, उतना ही रश वगैरह। लेट्स गो, आओ पैसे कन्वर्ट कराएं। यूरोप ट्रिप के बचे हुए यूरोस कन्वर्ट कराते हुए हर्ष, अब यही बचा है बस, सारे दिन इसी में निकालने। कोई नहीं यार निकल जाएंगे, एक हाथ दो एक हाथ लो। हाँ अशर बैग के साथ बहुत इंजॉय करते हुए। मामा बहुत मजेदार बैग है, मेरे को दो यार कैमरा, मैं व्लॉग करता हूँ आज। ओ वाह कितने सुंदर होते हैं यार। 1000 2000 क्या रहे हैं, सुंदर है सुंदर। 3000 4000 ओ भाई क्या कलर्स हैं। 100 गुड हर्ष, अब तूने करेंसी ले लिया तो चल मुझे शॉपिंग करा। मैंने ना बहुत सुंदर जैकेट देखी थी पीछे, ये जैकेट पहन पहन के बोर हो गई हूँ। चले चलो भाई चलो चलो चलो। ये वो देख कितना क्यूट है, वो है क्या पता नहीं, जो भी है बहुत क्यूट है, कितना क्यूट कलर का, अशर को अच्छा लगेगा। बट है क्या, इसका नाम क्या है? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर तो मॉल का नाम है लल्लू। करा सकते बच्चों को स्लाइड? हाँ। अबे अशर नहीं कर पाएगा स्लाइड। अरे तू देख सब करेगा ये, बेटा छोड़ दे बैग, माना बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है बैग इसको, ये काफी सीरियस हो गया। अशर कर लेगा? कराऊंगी। अशर आ जा, बड़ा खुश हुआ। वन मोर टाइम अशर। अशर कितने क्यूट कलर से, कैसा लग रहा है तेरे को? मामा मेरा मन करे मैं इसे खा जाऊं, बहुत मजा आ रहा है मुझे। अशर के साथ घूमना ना अलग ही एंजॉयमेंट है, पहले तो मजे करते थे एंजॉय करते थे, अभी ऐसा लग रहा है सिर्फ और ज्यादा एंजॉय करते हैं, और लाइफ में मजा आ गया, रंग आ गया। एक बार इसके साथ दोबारा जापान सोल हर जगह जाने। चल चल आगे चलते हैं, बस बहुत हो गया। नेक्स्ट कपड़े कपड़े, अभी कह रही थी फेरिस व्हील जा रहे हैं हम, पता नहीं क्या क्या देखेंगे। भाई ये जैकेट बहुत स्मार्ट लग रही है मुझे, कॉलर बड़ा अच्छा है इसका, पता नहीं हमें क्यों नहीं अच्छी लग रही, ना मुझे ना अशर को। भाई मुझे तो ये ट्रेंच कोट भी अच्छा लग रहा है, फैशन कितना अच्छा है यार यहाँ पे, सही लग रही है, बढ़िया लग रही है। पर तू क्या कर रही है, ये सब कुछ लेना है? ये भी अच्छा लग रहा है, कुछ अलग ही फैशन है यहाँ पे। तूने मीटिंग्स में जाना है? यार वैसे बहुत स्मार्ट लग रही है भाई, पति हो तो ऐसा चीजें ढूंढ ढूंढ के ला रहे मेरे लिए। मैं वो देख रहा हूँ यूनिसेक्स, जो मैं भी पहन लूँ। हाय राम, अशर कह रहे मैं भी पहन लूँ। अशर तो सब पहनेगा भाई, ये बंदा रुक नहीं रहा है। बस हर्ष मेरे से इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, तू तो रुकता ही नहीं है भाई। ये भी ले ले, 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 सब ले ले। ओके गाइस बहुत ही सुंदर कपड़े, बहुत ही सुंदर शॉप, मेरी तो अभी से ही पेट भर गया, इससे ज्यादा तो मेरे को कुछ उम्मीद ही नहीं जिंदगी में। थैंक यू हर्ष, थैंक यू। क्या करें हमें, ये लड़की उल्लू बनाई जा रही है एक चैनल के नाम पे। मम्मा आप तो मुझे कार्निवल लेके जा रहे थे, ये काम फसा दिया। अच्छा ठीक है आप कार्निवल चलते हैं। मम्मा हैप्पी, अशर हैप्पी। शॉप का नाम है बिलीव। मम्मा का तो पेट ही नहीं भरता, पापा मेरे कपड़े कब लेंगे।
गाइस ये सब मैं लेके आई हूँ। मैंने सोचा रूम ही चलते हैं, सामान रख देते हैं, अशर को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा, फिर चलेंगे कार्निवल। शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही यार। चल कौन सा पहले ट्राई करूँ? ये रेड, हमेशा उल्टा बोलता है, हमेशा अलग है हमारी चॉइस। माय फेवरेट कलर। ओके तो गाइस ये मेरा व्हाइट स्वेटर, मुझे तो अच्छा लग रहा है, हर्ष को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। मतलब ठीक ठीक लग रहा है। तू तो मुझे कह रही थी इसमें बो है, शो है, पता नहीं क्या क्या है। सच बताऊं मैंने बो वाला देखा था, पर ये बो पता नहीं कहां गायब हो गई, वो उतार के उसने रख लिया बो। तो गाइस ये है मेरी ये टी शर्ट और साथ में मैंने ये लिया क्यूट सी स्कर्ट। थैंक यू, आई नो बहुत अच्छी लग रही है। हर्ष तुझे मुझे पॉइंट्स देने की जरूरत है, मुझे पता है तू 10 में से 10 देगा, है ना? बहुत अच्छी लग रही है सच में, एकदम कोरिया वाली फील आ रही है ना इसमें, पूरी कोरिया। और स्लीव्स कितनी क्यूट है ना इसकी, डिटेल देख रहा था मैं। तूने स्लीव्स देखी नहीं थी, मेरे को आते कह रहा सबसे गंदी है ये, और पहनने का कह रहा यही पहन के चल। मैंने स्लीव्स नहीं देखी थी ना, अब इसके ऊपर ही जैकेट डाल ले और चले। हाँ बाकी कपड़े आके करेंगे ट्राई। हाँ 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 जैकेट पहन, जैकेट जैकेट कहाँ है जैकेट? बहुत गर्मी है बाहर, बस ये गर्म है, वार्म है ये। अबे नहीं वहाँ ठंड लगेगी, आई स्वेयर बहुत गर्म है, नहीं पहन पाऊंगी। अशर के लिए बिस्किट लिया था। अशर कैसा है? मम्मा बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, मजा आ रहा है बिस्किट खाने में, बहुत ही टेस्टी है। और आपको पता है क्या, बिस्किट से ज्यादा टेस्टी इसका रैपर है, रैपर। अभी मैं ये बिस्किट खाऊंगा फिर मैं रैपर भी खाऊंगा। ये देखो मैंने उठाने की कोशिश कर ली और उठा लिया मैंने रैपर, चलो फिर बिस्किट फेंक दिया, अब रैपर ही खाऊंगा। हर्ष देख रहा है हेलो किटी? अशर मैं तो एक्साइटेड हूँ ना अशर को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हेलो किटी, डोरेमोन, शिनचैन, थोड़ा सा बड़ा हो इसे सब समझ आएगा। चल यार अंदर चलते हैं, बहुत कलरफुल है। तो क्या बवाल जगह है, ये तो एग्जिट है, इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, साइड में हार्बर है और यहाँ पे इतना प्यारा हेलो किटी का वर्ल्ड बनाया हुआ। ये देख लोग कितने मजे से फोटोज ले रहे हैं, मेरी भी खींचना चाहते हो। चल 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 चल, मुझे समझ आ रहा है, चेरी ब्लॉसम दिखाया हुआ है पूरा, पूरा पिंक पिंक। सेल्फी लेते हैं हम भी यार यहाँ पे। भैया अशर को यहाँ फूलों के बीच में छोड़ दिया। अशर अशर कैसे लग रहे लाइट वाले फूल? ओ लाइट वाले फूल। और यहाँ पे देखो ऐसे एप्पल ट्रीज बनाए हुए, ये नकली के एप्पल भी लगाए हुए हैं। ओ भाई क्या क्या बनाया हुआ है, एक तोड़ के मुझे खिला दे। हाँ ये मुझे तोड़ेंगे फिर पता है। यहाँ पे स्टार फेरी जाने के लिए टिकट्स निकाली जा रही हैं। दो एडल्ट है ना? हाँ। और यहाँ पे टोकन आ गए हैं और चेंज बस, भी। बस ये टोकन काम करेंगे। हाँ, चल अब फेरी। ऐसे तो हम घर से ले आते टोकन। और भागते हुए स्टार फेरी की तरफ, चलो प्रेरणा चलो। ओ इट वर्क प्रेरणा मेरे लिए। बाय बाय। प्रेरणा यहाँ पे कितनी सारी वेंडिंग मशीन है, पार्ट 3 बना ले फिर। बनाते बनाते यार अच्छी लग रही चीजें। हो गया बताए यार, कुछ स्माइली स्मूली जूस ड्रिंक्स है। ओशट ओशट बोर्डिंग प्लीज वेट यार, गई यार फेरी, मेरे को नहीं मिस करनी यार। नहीं अभी डीबोर्ड कर रहे हैं फिर बोर्ड करें। सही है यार, 3 में टूर हो रहे हैं यहाँ पे, $4 में, चार $8 लगे, $8 80 रुपए में फेरी में जा रहे हैं और कह रहे हैं ना पापा ऐसे ही। अशर तो फ्री में जा रहे हैं। अशर भी लाइक मेरे को रिकॉर्ड करो पापा। ये सही है भाई, हर जगह फ्री में ट्रैवल करता है। प्रेरणा क्या देख रही है, मौसम इतना बुरा है, सब कुछ तो ढका हुआ है। मेरे को तो हर चीज में पॉजिटिविटी दिख रही है, मुझे सब बहुत सुंदर लग रहा है। अरे वाह क्या बात है, देखो बोट कितनी सुंदर है, अरे वाह अरे वाह, लाइट्स कितनी सुंदर है, अरे वाह। और हर्ष अशर कितना सुंदर है, और हर्ष तो अच्छा है। तेरा बैग कहाँ गया एलवी का? कह रही है यार बड़ा मुश्किल है उसको संभालना, घर छोड़ देते हैं। तो अशर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हुआ जहाँ जाता है दोस्त बना लेता है। चलो भाई फाइनली कार्निवल में एंट्री हो रही है, लेट्स गो। बारिश होने लग गई यार, बट तो देख रहे हर्ष यहाँ की हाईलाइट है, पूरा फेरेस फील हमारे रूम से दिखता है। ओ भाई कितना जायंट है, ये बैठने देंगे अशर को इसमें? कल देखते हैं, है तो कवर्ड है, बैठने देना चाहिए, बट बारिश हो रही है तो पता है। बात करते हैं, चलो एंटर करते हैं पहले। तो फाइनली कार्निवल में एंट्री हो गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, कितना सही कितना लिट है। मेरे पीछे लैंटर्न का इनका ना कौन सा बड़ा अच्छा लग रहा है, हर जगह लैंटर्न लगा रखी है पता नहीं। और बहुत सारी चीजें, पहले फेरेस व्हील की तरफ चलते हैं, पता करते हैं अशर बैठ सकता है नहीं, अगर अशर बैठेगा तो फिर हम फेरेस व्हील करेंगे, नहीं तो उसके बाद फिर एक्सप्लोर करेंगे पूरा कार्निवल। तो भाई मैं और अशर खड़े हैं यहाँ पे शेड के नीचे क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है। उधर हमने प्रेरणा को लगा दिया लाइन में जो इस फेरेस व्हील की टिकट लेने गई है। प्रेरणा है कहाँ, दिखी नहीं रही, आई थिंक बहुत पीछे है, बहुत लंबी लाइन है। इसको कहते हैं हांगकांग ऑब्जर्वेशन व्हील। सही है यार, आई थिंक पूरा हांगकांग दिखेगा इस व्हील से टॉप व्यू। लेट्स वेट प्रेरणा भाई, यहाँ पे खड़े होके तू फोटो भी खिंचवा सकता है नकली वाली फेरेस व्हील के अंदर। हाँ वो भी करेंगे आज, सीरियसली। और क्या बढ़िया मजा आएगा ऐसे फैमिली फोटो खिंचवाने में, कितना सही लग रहा है ना व्हील। अबे फिर ये तो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन हमारे पास है, 5 मिनट में हम इसके अंदर होंगे। यार कितनी लंबी लाइन है यार, बड़ी लंबी कतार में खड़े हैं हम। फंसा दिया, मुझे लग रहा था छोटी लाइन है। बहुत बंदा जा रहा है फेरेस व्हील पे, डेकोरेशंस कितनी सुंदर हुई हुई है ना। जिसके लिए फेरेस व्हील पे जा रहे हैं वो सो गया यार, हमने तो सब देखा हुआ यार। तो क्या हो गया यार, अशर देख ले प्लीज, क्या पता फेरेस व्हील पे बैठे बैठे उठ जाए, मन की आंखों से देख रहा है। कह रहे मुझे क्या पता डर लगे पापा, इसलिए मैंने पहले आंखें बंद कर ली। आ गई बस हमारी बारी, एक नारंगी खिला दे, उठा के बाहर फेंक देंगे मुझे। आई डेयर यू, आई डोंट टेक योर डेयर। अद्भुत, अंदर बैठती हूँ, आंखें खोल ले, अविश्वसनीय। चल पड़ा, हम ऊपर जा रहे हैं, अशर देख रहा है एक्चुअल में यार। आखिरकार जिस बंदे के लिए आए थे वो बंदा उठ ही गया, इसने उठना ही था, ये एक्टिंग कर रहा था। मजाक नहीं कर रही, मैं जब पहली बार फेरिस व्हील पे बैठी थी मैं तो बहुत डरी थी, पर अशर तो बिल्कुल नहीं डर रहा, अपने पापा के पास है बहुत।
स्ट्रॉन्ग बेबी यार, तो जस्ट लाइक पापा। भाई हम बहुत ऊपर आ चुके हैं पर बारिश हो रही है इसलिए बाहर का व्यू इतना अच्छा नहीं दिख रहा, नीचे पूरा कार्निवल दिख रहा है ना। भाई रुक क्यों गया? चलाओ भाई चलाओ, हर्ष को डर लग रहा है यार। ऐसी जगह मत बिठाया कर तुम। गाइस चला लो प्लीज, पापा को बहुत डर लग रहा है। ऊपर से सब कितना सुंदर सुंदर लग रहा है। हम तो और ऊपर जा रहे हैं। भाई अशोक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको तो बिल्कुल डर नहीं लगा फिर इस फील्ड में। मुझे जबकि लग रहा था थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके रुक गया था ना ये। ओ बड़ा मजा आया हमें। चलो भाई ऑब्जर्वेशन डेक भी हो गया, दिखा कुछ नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी और डार्क डार्क सब था स्काई पे। वेस्ट हो गया एक्चुअली, सच बताऊं तो। मैं क्या करूं प्रेरणा, तू कल आ सकती है दोबारा से? नो थैंक्स, वापस आते हुए स्पीड तेज हो जाती है। चलो भाई चले, अभी तो फिर से भेज रहे हैं, हमें नहीं जाना फिर से। हां उतारो भाई ये क्या हो गया, एक और राउंड सही है ना तेरे को, एक टिकट में दो का मजा। यार मेरे को नहीं चाहिए था फिर पैसे वापस ले लो उनसे, तो फंस गए यार। नहीं फंसे यार, बस जा रहे हैं कहीं ये इनफिनिट लूप और हम यहीं पड़े रह जाएं। बहुत डरपोक है यार हर्ष, तो सच्ची बहुत डरपोक है। डरपोक नहीं यार, बस जब मजा ही नहीं आ रहा, कुछ है ही नहीं। अशर को आ रहा है मजा, हम उतारो यार, हमें जाना है यार बस। मैं दबा रहा हूँ इमरजेंसी वाली, मेरे को नहीं रुकना। फेंक देंगे तेरे को यहीं से, फेंक देंगे। क्यों मेरा नहीं मन कर रहा, अभी यहीं से फेंकवा देते हैं। अगर उन्होंने फिर से भेज दिया ना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उतारो, हमारे दो राउंड हो गए। इसको ले जाओ भाई, इसको उतार दो भाई। एक और राउंड नहीं यार, तीसरा। लग तक फंस गई हम, यही सोएंगे यार 24 आवर्स। जब तक चक्कर नहीं आने हैं ना तब तक नहीं उतारेंगे। अभी सही में नहीं रोका, ये मजाक हो रहा है मजाक। How many rounds? Three. Yes. अबे तीन rounds हैं। तेरे को पता ही नहीं था ना? ये तो टाइम लग रहा था। हाँ। मतलब ये दिखाना क्या चाह रहे हैं? एक में कुछ दिखानी, दो बारी, तीन बारी में क्या दिखेगा? पता नहीं। पता नहीं इसके लिए क्या आइटम लिए है? जैसे ये खाता उसके बाद खुश होकर तालियां बजाते हैं ऐसे। शर ये लो, ताली बजाओ। ये देखिए। हाँ एक और मिलेगा। ये लो, वेरी गुड। उधर से चलो चलो चलो। मैंने अपने लिए कॉफी लिया, इतना मन कर रहा था एवोकाडो टोस्ट लेने का, बट सब कुछ सोल्ड आउट है। ऐसे ही होता है जब इतनी बढ़िया जगह पे आओ, है ना? और इतना लेट हो जाओ। यहाँ मेरी कॉफी बन रही है। अशर को मैंने स्ट्रॉ दी है, स्टर करने वाला दिया है इसका खेलने के लिए। ले, बड़े ध्यान से देख रहा है, बताए। अच्छा कह रहा है कॉफी पीऊंगा। मैं ना कुकी लेने लगी थी, इस बंदे ने मना कर दिया। नहीं तू खा, मैं नहीं खाऊंगा। कह रहा है मुझे हजम नहीं होगी 300 रुपए की कुकी। चल मेरी कॉफी तो आ गई। ओ वाओ क्या स्टाइल है अशर, क्या मस्त स्टाइल है। थैंक यू मम्मा, मुझे पता है मैं बहुत मस्त हूँ। चलो यार ये सही है यार, रह गया भाई ने पूरी कॉफी डोल दी। सीरियसली ओके, कॉफी ठीक नहीं थी? हाउ स्वीट, थैंक यू। कह रहे हैं वो बेकार थी, तुम्हारे लिए नहीं बना रहे हैं। बढ़िया अच्छी लगी, टोस्ट भी बना दो इसी बार। ऐसा लगता है वेंडिंग मशीन से कोई पुराना रिश्ता है हमारा। बढ़िया लग रहा है, फलाफल रहा खाते हैं। 15 नंबर, तुझे तो पता ही है ड्रिल कैसे निकालना है। कमॉन वेज होगा ना हर्ष? वेज मतलब क्या होता है? वेज फलाफल, वेज नॉन वेज फलाफल नहीं है। वी डोंट हैव ऑक्टोपस कार्ड। क्या हुआ? वो सिर्फ ऑक्टोपस कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। यार मैंने तेरे को कहा था ऑक्टोपस कार्ड ले ले यार, मेरा मन कर रहा है फलाफल खाने का। कल खाएंगे कल। अशर के साथ मेमोरीज बनाने में काफी मजा आ रहा है हर्ष का, बट बारिश सारा मजा खराब कर देती है। मुझे हमेशा से बारिश से नफरत है। अब तो मुझे भी मम्मा पापा। गुड नाइट, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।